हेलो फ्रेंड्स, रेसलिंग जॉय में आप लोगों का स्वागत है। डे वन पेपर व्यू इवेंट में ब्रॉक लेसनर से जुड़े इंटरेस्टिंग न्यूज और रूमर सामने आया है। रेसलिंग फैंस को शॉक एंड सरप्राइज करने के लिए विंस मैकमैन रिपोर्टेडली प्लानिंग कर रहे हैं। पहले तो विंस मैकमैन नहीं चाहते थे कि रोमन रेंस यूनिवर्सल टाइटल लूज करे, लेकिन रिसेंटली ये रूमर चल रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जोरो शोरो से लेसनर के फेवर में है उनको न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बनाने के लिए। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, फाइनली विंस मैकमैन ये रियलाइज करा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई नेक्स्ट ईयर रेसलमैनिया 38 को हेडलाइन के लिस्ट में रखेगी। विंस को लगता है बीस्ट ब्रॉक लेसनर क्राउन ज्वेल के बाद लगातार और एक मैच रोमन रेंस के खिलाफ नहीं हार सकते। अगर डे वन में ब्रॉक लेसनर विनर बनते हैं तो रेसलमेनिया 38 में रोमन रेंस ब्रॉक को चैलेंज कर सकते हैं। ये मैच पहले से 100% ज्यादा एंटरटेनिंग होगा और कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल भी होगा। ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई से गैप ले सकते हैं। स्मैकडाउन में हमने देखा था कि पॉल हेमन ब्रॉक को न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बनने की सपना दिखा रहा था। बैक स्टेज ब्रॉक भी पॉल हेमन को खुद का एडवोकेट बताया था। हो सकता है वाइज मैन के साथ मिलकर वो ट्राइबल चीफ को डे वन में हरा दे। रिपोर्ट्स तो ये भी है कि डे वन के बाद रोमन रेंस अपना बिजी शेड्यूल से थोड़ा गैप लेंगे और उस टाइम यूनिवर्सल चैंपियन का ताज लेसनर के सिर पर सजेगा। रोमन रेसलमेनिया 38 में रिटर्न आकर ब्रॉक को चैलेंज कर सकते हैं और विनर बन के न्यू यूनिवर्सल चैंपियन के रूप में हम उन्हें एक बार फिर देख पाएंगे। यूनिवर्सल टाइटल के साथ साथ डे वन में और एक टाइटल चेंज होने का इशारा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दे दिया। रिसेंटली द ऑलमाइटी बॉबी लेस्ली सेथ बिगी और केविन ओवेंस के खिलाफ मैच में ऑफिशियली ज्वाइन हो गए। ये ट्रिपल थ्रेट मैच फेटल फोर वे में कन्वर्ट हो गया। इस हफ्ते के रॉ में हम देखे हैं कि बॉबी लेस्ली इन तीनों को कैसे मसल कर रख दिया था। सरप्राइजिंगली बॉबी लेस्ली न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनने की स्ट्रॉन्ग फेवरेट माने जा रहे हैं। बिगी से मिले हार के बाद फिर से उनके पास एक मौका है अपने टाइटल को क्लेम करने का। बदले की आग तभी खत्म होगा जब डे वन में चैंपियन बनकर वो रॉ को एक नया शुरुआत देंगे।